हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप जिस किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। रॉन्ग साइड पर ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 14 रोज का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 10 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 10 प्लस 2। इसमें मैंने 10 मल्टीपल करके 20 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 22 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से ट्रिपल पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 छ, धागा पीछे, फिर ये 2 फंदा और ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है। राइट निडल आगे से लेना है, फिर ये पीछे की 1 फंदा को आगे लाना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट निडल में लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2, फिर ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है। राइट निडल पीछे से लेना है, पीछे की 1 फंदा को आगे लाना है और आगे की 1 फंदा को पीछे, फिर इस फंदा को लेफ्ट निडल में लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको एलिप्स करना है बार बार, 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, फिर 2 फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट किया। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आके 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, अब ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है। राइट निडल आगे से लेना है, आगे की 1 फंदा को पीछे, पीछे की 1 फंदा को आगे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट निडल में लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट करना है। राइट निडल पीछे से लेना है, पीछे की 1 फंदा को आगे करना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट निडल में लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2। यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 1 फंदा बचेगा, 1 फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो, सेकेंड रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, फिर 2 फंदा को ट्विस्ट करना है। राइट निडल आगे से लेना है, आगे की 1 फंदा को पीछे, पीछे की 1 फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट निडल में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट करना है। राइट निडल पीछे से लेना है, पीछे की 1 फंदा को आगे करना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट निडल में लेना है, फिर 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2, फिर से 1 फंदा सीधा, 1। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, फिर 2 फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट किया, फिर 1 फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2,
दो, तीन, चार, पाँच। धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से एक फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो, फोर रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है, पीछे की फंदा को आगे, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार, चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है, पीछे के फंदा को आगे, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो, सिक्स रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप सेवन रो, सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आके, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे, अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा को आगे करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन,
धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो, एट रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप नाइन रो, नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। आपको यही रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, फिर दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टेन रो, टेन रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप इलेवन रो, इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे, फिर इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है,
आगे की फंदा को पीछे करना है, पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट मिरर में लेना है, फिर दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो। फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट मिरर में लेना है, फिर दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो। फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 11 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 12 रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप 13 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे करना है। फिर इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो। फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट मिरर में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो। फिर छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, छह फंदा सीधा, दो चार छः। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे करना है। फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो। फिर से दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, ये पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट मिरर में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो। फिर छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। 13 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 14 रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए ये डिजाइन जस्ट 14 रोज का है। इन्हीं 14 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से रो 1 स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो 1 से रो 14 तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।